इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही एशिया कप से बाहर हो गए, क्रिकेट पाकिस्तान ने आज कंफर्म कर दिया है कि मोहम्मद हसनैन जो कि दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करेंगे एशिया कप में। और 28 तारीख को जो मुकाबला है वहां पर शाहीन शाह अफरीदी की जगह हो सकता है कि वो खेलते हुए आपको देखें। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं, काफी यंग है, डायनामिक है, काफी अच्छे गेंदबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुल मिलाकर देखें तो उन्होंने 18 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, 17 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन वो रिप्लेस करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को। पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा जब शाहीन शाह अफरीदी को पूरे एशिया कप के लिए बाहर रख कर दिया गया है इंजरी की वजह से, लेकिन मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल किया गया है। और एक ऐसे गेंदबाज है जिनकी गेंदें बड़ी स्किट करती है और हाइट भी अच्छी खासी है और अचानक ही गेंदें उनकी गुड लेंथ से बाउंस करती है, तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम उम्मीद करेगी कि जो काम शाहीन शाह अफरीदी करते थे वही काम कम से कम मोहम्मद हसनैन करे। लेकिन क्या प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये अप टू द टीम मैनेजमेंट है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि मोहम्मद हसनैन रिप्लेस कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को और हो सकता है कि 28 तारीख के मैच में आपको मोहम्मद हसनैन गेंदबाजी करते हुए दिख जाए। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और जैसे कि हमने बताया कि 18 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का उनको अनुभव है, T20 इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें से 17 विकेट उन्होंने लिए हैं, लेकिन क्या क्रूशियल मैच में अगेंस्ट इंडिया उनको पाकिस्तान की टीम उतारेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।